अगर आपको ब्लीडिंग कम से यानी कि आपके मसूड़ों में से खून आ रहा है, या फिर आपके जो मसूड़े हैं वो फूल गए हैं, स्वेलिंग हो गई है, या फिर आपको अल्सर्स है, तो इस कंडीशन में आप कौन से होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तोशिका बिसोने, एंड एज आई सेड कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो मैं आज आपको 6 होम रेमेडीज बताऊंगी, 6 होम रेमेडीज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो दैट कि आप अपना ओरल हाइजीन भी मेंटेन कर सके एंड इन सारी चीजों से, इन सारी डिसीजेस से बच सके। तो सबसे पहले ये जो डिसीजेस हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, स्ट्रेस, हॉर्मोनल डिसऑर्डर्स, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट है तो उनमें भी हो सकता है, अगर कोई प्रेगनेंट लेडी है उनमें भी बहुत कॉमन चीज है ये ब्लीडिंग गम्स एंड गम स्वेलिंग, अगर आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो भी है। तो आज हम बात करेंगे 6 होम रेमेडीज की। तो पहला होम रेमेडी है, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर ब्रशिंग 2 टाइम्स अ डे। सुबह उठते से आप ब्रश कीजिए और रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले ब्रश कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि हम ब्रश तो कर लेते हैं लेकिन टंग को क्लीन नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, तो टंग क्लीनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया वहां पर जम जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टंग को भी क्लीन करें टंग क्लीनर्स के थ्रू। हमारे दांतों, तीसरी चीज है हमारे दांतों के बीच में जो एरिया होता है वहां पर ब्रश कभी कभी नहीं जा पाता है, बहुत सारे ऐसे एरियाज है हमारे दांतों में जो जहाँ पर ब्रश नहीं जा पाता है। तो अगर आपके दो दांतों के बीच में कई बार ऐसा भी होता है कि खाना फंस जाता है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं या फिर आप पालक वगैरह या लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, तो कई बार होता है कि दो दांतों के बीच में वो जाके फंस जाता है, तो उसके लिए यू कैन यूज फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग आप कर सकते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं कि फ्लॉसिंग की किस तरह की जाती है, एक नॉर्मल सा धागा होता है, धागे जैसा होता है जो आपके दो दांतों के बीच में चला जाता है, एंड डोंट वरी, इससे आपके दांतों में गैप बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके अलावा आप अपने गम में मसाज कर सकते हैं, गम मसाज यानी कि आपको अपने मसूड़ों पे इस तरह से मसाज करनी है, इससे क्या होगा आपके गम्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और जैसे ही आपके गम्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके गम्स जो है वो हेल्दी गम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप गार्गलिंग कर सकते हैं, गार्गलिंग आप टर्मरिक यानी कि हल्दी से कर सकते हैं, या फिर गुनगुना पानी में आप नमक डालकर गार्गलिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो सिक्स्थ है, जो रादर वेरी इंपॉर्टेंट होम रेमेडी, इज ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग यानी कि आपको 1 से 2 स्पून ऑयल लेना है, जो आपके घर में जिससे भी खाना बनता है आप वो सब ऑयल ले सकते हैं, वो ऑयल लीजिए और उससे कुल्ला करते हैं, उसी तरह से आपको उस ऑयल को 1 और 2 स्पून ऑयल जो आपने अपने मुंह में लिया है उसको सारे दांतों तक पहुंचाना है। इससे क्या होगा, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होंगी जो जो कि सारे बैक्टीरिया को मारने में, खत्म करने में, कम करने में आपको हेल्प करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, दिस ऑल होम रेमेडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर योर ओरल हाइजीन ऑल्सो, एंड आपकी ब्लीडिंग गम्स और ब्लीडिंग गम्स, स्वेलिंग गम्स और अल्सर जैसी दिक्कतों को कम करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन आप कौन से टॉपिक्स मुझसे चाहते हैं कि मैं कवर करूँ, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।